जी प्राचार्य रहे डॉक्टर यूसी मेहता जी, आशु पार्टी के जिलाध्यक्ष गुड्डू जी, मांडू विधानसभा आशु पार्टी के प्रभारी तिवारी जी, मंचासेन भारतीय जनता पार्टी एवं आशु पार्टी के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, तमाम समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्तागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम इस क्षेत्र के अभिभावकों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जोहार। सबसे पहले इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और एक अपील करता हूं, और ये अपील आप सभी लोगों से करता हूं, और ये अपील भारत माता के लिए करता हूं, और भारत माता की संतान होने के नाते हम सभी लोगों का जो अपने देश के प्रति, भारत माता के प्रति जो हम लोगों का कर्ज है, जो फर्ज है, उस फर्ज को निभाने के लिए करता हूं। आज देश के ऐसे निष्ठावान, ऐसे समर्पित शख्सियत जिन्होंने अपने देश के लिए संकल्प लिया, जिन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, ऐसे महान देशभक्त, देश सेवक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भारत माता की सुरक्षा के लिए, भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, सशक्त भारत के निर्माण के लिए और भारत को विश्व के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नंबर वन पर खड़ा करने के लिए फिर से आप सभी लोगों को एक बार मौका देने की आवश्यकता। मैं शायरी की दो पंक्तियों के माध्यम से अपील आप सभी लोगों से करूंगा कि खुदगर्जों की खुदगर्जी से, खुदगर्जों की खुदगर्जी से हिंदुस्तान को बचाना, खुदगर्जों की खुदगर्जी से हिंदुस्तान को बचाना। अब नहीं चुकना है दोस्तों, अब नहीं चुकना है दोस्तों, फिर से मोदी सरकार लाना है, फिर से मोदी सरकार लाना, अपने देश के लिए, अपने भारत माता के लिए, और भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए फिर से मोदी जी की सरकार लाना है, और इसके बिना देश में कोई विकल्प नहीं। आपके बीच सौभाग्य से एक ऐसे प्रत्याशी हैं, राजक प्रत्याशी के रूप में, मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी हैं। श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी का नाम विकास पुरुष के रूप में प्रख्यात है, उन्हें लोग विकास पुरुष के रूप में जानते हैं, और अगर इस लोकसभा क्षेत्र में भी देखें तो आज उनके विभाग से, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और जल संसाधन विभाग से गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में अरबों रुपए की योजनाएं जमीन पर उतरी। लोग आते हैं, नेता आते हैं, चुनाव से पहले आपके बीच भाषण देते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आपके बीच में जो प्रत्याशी है ये एक ऐसे प्रत्याशी है जो काम करने में विश्वास करते हैं, भाषण या आश्वासन में विश्वास नहीं करते, विकास में विश्वास करते। उनके लिए दो पंक्तियां, माननीय मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी के लिए दो पंक्तियां, आगाज बोलता है, आगाज बोलता है, अंदाज बोलता है, विकास पुरुष चंद्रप्रकाश चौधरी जी का काम बोलता है। निश्चित रूप से नए गिरिडीह के निर्माण के लिए और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का पहचान झारखंड में ही नहीं,
अपने देश में स्थापित करने के लिए, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का पहचान अपने देश में बनाने के लिए आप तमाम सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार मोदी जी के नेतृत्व को फिर से देश में लाने के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में यहां पर राजद प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी जी को आप लोग साथ दें। यही आप लोगों से विनम्र अपील है, विनम्र आग्रह है। और एक ऐसे निष्ठावान प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से ही अपने देश के प्रति समर्पण को अभिव्यक्त किया, जिन्होंने देश के लिए सौगंध खाया है, मुझे सौगंध इस मिट्टी की, मुझे सौगंध इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मुझे सौगंध इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जिन्होंने भारत माँ को वचन दिया है कि तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, आज हम सभी लोग संकल्प लें कि देश के एक ऐसे सच्चे सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी को भारत माता के लिए, सशक्त भारत के निर्माण के लिए और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए फिर से हम लोग खुल के, खुले मन से, तन मन के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और अपने देश के लिए एक सच्चे देशभक्त के रूप में मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारें, फिर से साथ दें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से तमाम मंचासीन नेतृत्वगण यहां पर आए हुए आप तमाम सभी भाइयों बहनों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और